हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं अपना ये सुबह से तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और उसका कारण यही है कि अपने एग्ज़ाम के बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध करवाता रहूँ। और आप भी जो भी वीडियो अपलोड कराऊँ उन्हें पूरा ज़रूर देखिए, ताकि अपने को फ़ायदा इसका मिल सके। तो अगला टॉपिक अपने एनिमल रिप्रोडक्शन का, ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक के मैंने दो पार्ट में क्वेश्चन शामिल किए हैं। पहले पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चनों का वीडियो मैंने बनाया। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किसके प्रभाव से प्रोलीफेरेट होता है? तो गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम होता है वह अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके प्रभाव से प्रोलीफेरेट होता है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वृषण स्थायी तौर पर उदर गुहा में ही स्थित होते हैं? तो अपन देखें कि हाथी, व्हेल और आर्मेडिलो, ये तीनों यानी कि सभी ऑप्शन तीनों के उदर गुहा में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण कोष का तापमान उदर गुहा से कितना कम में माना गया है? तो यह माना गया है फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थर्ड ऑप्शन जिसमें 3 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी आवरण रेसेदार योजी उत्तक का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। नेक्स्ट, वेस डेफरेंस काटा जाता है किसके लिए काम में लिया जाता है? वैसा डिफरेंस, तो यह काम में लिया जाता है फ्रेंड्स नर बंधेकरण के लिए इसे काम में लेते हैं। नेक्स्ट, लैंगिक उत्तेजना के समय पेनिस में जो पेशियां होती है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? वह अनुशिथिल हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सा अम्ल वीर्य में पाया जाता है? तो वीर्य में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस ग्रंथि के स्त्राव में फ्रक्टोज अधिक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज की अधिक मात्रा होती है शुक्राशय में। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, गर्भनिरोधक गोलियां स्त्रियों द्वारा किसे रोकने हेतु ली जाती है? तो गर्भनिरोधक के प्रभाव से अंडोत्सर की प्रक्रिया रुकती है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राशय के स्त्राव का कार्य क्या होता है? शुक्राशय का स्त्राव क्या करता है? शुक्राणुओं की गति के लिए माध्यम प्रदान करता है। नेक्स्ट, ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ क्या होता है? तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है वीर्य में अनुकूलतम संख्या से कम शुक्राणुओं की संख्या का होना, ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट, मानव मादा में रजस्त्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? रजस्त्राव को टालने के लिए क्या दिया जाता है? तो इसके लिए अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन दिया जाता है, जो गोली के रूप में भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट, एट्रेटिक पुट्टी का वह है जिसका पूर्ण परिवर्धन नहीं होता और वह विघटित हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्तनियों में या स्तनधारियों में अंडोत्सर के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? तो यहाँ कौन कार्य करता है? ग्राफियन पुट्टक या ग्राफी पुट्टक, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्त आव्यूलेटर्स में अंडोत्सर के लिए क्या जरूरी होता है? तो इसके लिए जरूरी होता है मैथुन प्रक्रिया, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वासा इफ्रेंसिया जोड़ती है, वासा इफ्रेंसिया जोड़ती है, किसे जोड़ने का कार्य करती है? यह वृषण को एपिडीडाइमिस से जोड़ने का कार्य करती है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मुंह की गर्भनिरोधक गोलियां निम्न में से कौन सी क्रिया को रोकने का कार्य करती है? तो ये गोलियां रोकती हैं अंडोत्सर की प्रक्रिया को रोकती है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में यूट्रस मेस्कुलाइन्स की उत्पत्ति मानी गई है, तो ये उत्पत्ति किससे मानी गई है फ्रेंड्स? मुलेरियन नलिका से मानी गई है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में वृषणों का वृषणकोष में नहीं जाना क्या कहलाता है? तो उस क्रिया को कहा जाता है क्रिप्टोकार्डिज्म के नाम से जानते हैं, क्रिप्टोकार्डिज्म।
थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्लोपियन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये प्रोटीन पाई जाती है मानव के शुक्राणुओं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट, एंट्रम किसकी गुहा मानी जाती है, तो एंट्रम जो गुहा होती है वह ग्राफीन पुट्टिका की गुहा होती है। नेक्स्ट, वृद्ध पुरुषों में इंग्वाइनल नाल के ढीली पड़ जाने से आंत का कुछ भाग वृषण कोष में आ जाता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हर्निया, हर्निया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के भ्रूण की अधिकतम वृद्धि किस माह में होती है, तो भ्रूण की जो अधिकतम वृद्धि होती है वह चौथे माह में होती है। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र में योनि क्या है, तो यह एक द्वितीय जननंग होता है। कई बार अपन प्राथमिक कर देते हैं, लेकिन प्राथमिक क्या होता है मादा में, अंडाशय होता है, और पुरुषों में बात करें तो प्राथमिक वृषण होता है। नेक्स्ट, सहायक लैंगिक लक्षण सर्वप्रथम कब प्रकट होते हैं, तो यह कब प्रकट होते हैं, इनके प्रकट होने का समय होता है प्यूबर्टी में, यह प्रकट होते हैं, सेकेंड ऑप्शन है सही है। आगे देखिए, आगे फिर इसी का एक पार्ट टू तैयार किए जिसमें और क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। इन क्वेश्चनों को फ्रेंड सॉल्व किया हुआ है, इसलिए आपको टिक लगाए भी मिल सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन मोस्ट है, इसलिए मैंने आपके लिए इन्हें शामिल किया है। तो देखिए, वीर्य में पाए जाने वाला लाइटिक एंजाइम कौन सा होता है, तो यह होता है हाइलुरोनिडेज, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन स्त्रावित किया जाता है अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टोली कोशिकाएं भाग लेती है, तो सर्टोली कोशिकाएं भाग लेती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम किस अंग में पाया जाता है, तो यह होता है अंडाशय में पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन सही है। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा इसे स्त्रावित किया जाता है। नेक्स्ट, ओरल कंट्रेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, तो वह कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी का मकसद क्या रोकना होता है, तो ट्यूबेक्टोमी का जो मुख्य मकसद होता है वह निषेचन को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो यह स्त्रावित किसके द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश के मूत्र जनन अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा नर में उपस्थित होता है मगर स्त्री में नहीं होता है, तो ऐसा अंग कौन सा होता है, वासा डिफरेंस होता है, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बीड्र नाल उपस्थित होती है, तो बीड्र नाल होती है नर मेंढक में पाई जाती है। स्त्रियों में गर्भपात का कारण क्या हो सकता है, तो गर्भपात का कारण बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं में अतिरिक्त लैंगिक लक्षण प्रेरित किए जाते हैं एस्ट्रोजन के द्वारा। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं कैसी होती है, नर्स कोशिकाएं होती है जो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है बनने वाले शुक्राणुओं को। नेक्स्ट, क्रिप्टोक्रिडिज्म वह अवस्था होती है जिसमें जो वृषण होते हैं वह वृषण कोष में नहीं जा पाते हैं, उसे क्रिप्टोक्रिडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, वह कोशिकीय परत जो मनुष्य में टूटती व बनती रहती है क्या कहलाती है, वह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणुओं का प्रकार्यात्मक परिवहन होता है या परिपक्वन होता है किसमें होता है, एपिडीडाइमिस में होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ओविडक्ट के शल्य क्रिया द्वारा हटाना या बांधना क्या कहलाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट, अंडोत्सर के समय जो पुट्टिका फटती है वह रक्त से भर जाती है और बनाती है, क्या बनाने का कार्य करती है, कार्पस हिमोरजेसियम बनाती है, कार्पस से हिमोरजेसियम बनाने का कार्य करती है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में एस्ट्रोजन ग्राफियन फोलिकल की किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो यह होता है इंटरनल थिक्का के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट,
ओर्किडेक्टोमी का शल्य क्रिया द्वारा हटाना होता है? तो ओर्किडेक्टरी द्वारा वृषण का, फोर ऑप्शन सही है, वृषण का शल्य क्रिया द्वारा हटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण के जर्मिनल एपिथीलियम में पाई जाने वाली सपोर्टिंग कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वह कौन सी होती है? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्रिटिक फोलिकल्स पाए जाते हैं, तो ये होते हैं देखो अंडाशय में होते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होते हैं? तो ये किसके द्वारा होते हैं? एस्ट्रोजन के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने दो पार्ट में बताए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अपने वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए फ्रेंड्स। लाइक के साथ साथ कहना चाहूँगा, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वह चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स।